अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं असगर अली और आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करवाऊंगा। और जो भी मैं सवाल आपको हल करवा रहा हूं वो इंतहाई अहम सवाल होते हैं और इम्तहान के नुक्ते नज़र से अहम सवाल हैं और अक्सर पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने ओमेगा के मुतल्लिक, ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक फार्मूला है। और अगर हम ये ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है। अगर हम ओमेगा को जो है राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की जो वैल्यू होती है माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ये आपने याद रखने हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो सवाल बिल्कुल आसान है। तो इस ये फार्मूले बताने के बाद अब मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। तो सवाल हमारे पास है 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर इसकी 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने माइनस को इसमें से कामन लेना है। तो ये देखें जी 1 माइनस 3 कामन लेते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस 3 कामन लेंगे तो ये यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये सारे की जो पावर है 5 है। तो क्या करना है स्टूडेंट, आप देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू यहां पे मौजूद है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, यहां से चेक करते ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के इक्वल है। तो ये यहां पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 इंटू यहां पे इसकी वैल्यू माइनस 1 और सारे की पावर 5 है। यहां पे इक्वल जो है वो लिखना ना भूले। तो ये हमारे पास 1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 वन जा 3 और बाहर पावर 5 है। तो ये हमारे पास 1 प्लस 3 4 4 की पावर 5। इसका क्या मतलब है कि 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये बनता है 4 × 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू, ये बनता है 1024। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 हल करते हैं। माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9 है प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 किसके बराबर होता है, ये देखें जी ये ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर, ये सारी वैल्यू ओमेगा के बराबर हम ये इसकी जगह दर्ज करते हैं। तो ओमेगा पावर 9 प्लस अब ये किसके बराबर है, माइनस 1 माइनस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाय 2 ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और बाहर पावर 9। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, ओमेगा 9 प्लस और ये कितना होगा ओमेगा 2 9 आर 18। तो स्टूडेंट इसको हम ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब की पावर 3 प्लस हम इसको ओमेगा की पावर 3 और सारे की पावर से। तो स्टूडेंट्स क्या हमने किया है कि हम 9 को ओमेगा 3 की पावर 3 और ओमेगा 3 की पावर 6। अब ओमेगा 3 की पावर हम इसको ओमेगा की पावर 3 क्यों लिख लिया है, क्यों कि ओमेगा 3 की पावर 1 के इक्वल आती है। तो इससे सवाल को हल करना आसान हो जाता है। तो ये
देखिए जी, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? वन के। तो यहाँ पे हम वन की पावर थ्री प्लस वन की पावर सिक्स। अब वन की पावर थ्री, वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें तो वन ही आता है, और वन को अगर सिक्स टाइम भी करें, एन टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो वन ही रहता है, ये वन आता है, और वन प्लस वन टू। तो ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर एट है, ओमेगा की पावर माइनस 17 प्लस ओमेगा की पावर माइनस 17। तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि ओमेगा की पावर को मुस्बत बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और देखेंगे वन ओवर ओमेगा की पावर 13 लिख सकते हैं प्लस, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 17। तो अगला स्टेप स्टूडेंट, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वन ओवर 13 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 12 और 7 ओमेगा की पावर 1, तो ये 13 ही बनती है प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 15 और ओमेगा की पावर 2। तो ये 12 और 1 13 बनते हैं, और 15 और 2 प्लस करें ओमेगा की पावर तो 17 बनती है। तो यहां से स्टूडेंट्स ये देखें जी, ये ओमेगा 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4 और 7 ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 15 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5 और 7 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 यहां पे रखते हैं, 1 ओवर 1 की पावर 4 ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे स्टूडेंट 1 की पावर 4 हो, 1 ही रहता है, और ये हमारे पास ओमेगा 1 आता है प्लस, और ये हमारे पास आएगा 1 की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम लेना है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक ओमेगा आंसर आता है। तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा से कट गया 1 आता है। तो स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल आता है, ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। यहां पे इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर से कट जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट सामने करने थे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो वो हमने